लखनऊ में चुनाव आयोग पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करेगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठित में होगा कार्यक्रम, राज्य स्तर होगा कार्यक्रम। एनुअल स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्ट्रॉल प्रेक्सिट अवार्ड 2019 से होंगे सम्मानित। डीजीपी ओपी सिंह मिलेगा बेस्ट इलेक्ट्रॉल प्रैक्टिस अवार्ड। तो आपको बता दें राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम होगा, एनुअल स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्ट्रॉल प्रैक्टिस अवार्ड है ये। डीजीपी ओपी सिंह को मिलेगा बेस्ट इलेक्ट्रॉल प्रैक्टिस अवार्ड। लखनऊ में चुनाव आयोग पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करेगा। तो लखनऊ की बड़ी खबर इस वक्त, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। ये सारा कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया, राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा ये, जहां पे जो पुलिस हैं जो उनको एनुअल स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्ट्रॉल प्रैक्टिस अवार्ड से नवाजा जाएगा। जो लोग भी चयनित होकर आए हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो वहीं डीजीपी ओपी सिंह को भी बेस्ट इलेक्ट्रॉल प्रैक्टिस का अवार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में चुनाव आयोग पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करेगा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होना है। तो आपको बता दें राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम होगा, एनुअल स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्ट्रॉल प्रैक्टिस ये अवार्ड है जो दिया जाएगा। डीजीपी ओपी सिंह को मिलेगा। तो हमारे साथ गगन मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस पूरी खबर पे। गगन, ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, इस अवार्ड को देने के पीछे क्या वजह है? देखिए, जब भी जब चुनाव होते हैं सब अधिकारी जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको चुनाव आयोग हर साल होने वाले मतदाता दिवस के अवसर पर ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह को अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2019 के उपचुनाव हुए थे उसमें काफी अच्छा जो उत्कृष्ट कार्य होता है वो यूपी पुलिस ने किया था। न सिर्फ डीजीपी ओपी सिंह को मिल रहा है, उनके साथ साथ 11 अन्य आईपीएस अधिकारी हैं, जिसमें डिग्गी जेल इस समय मौजूदा समय है, उस समय एडीजी एलओ हुआ करते आनंद कुमार, उनको भी अवार्ड मिलेगा। और ये अवार्ड चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदी बेन भी मौजूद रहेंगी। गगन, ये अवार्ड जो है केवल आला अधिकारी को ही दिया जाता है या इसमें किसी जो निचले तबके के अधिकारी होते हैं या जो पुलिस फोर्स या हवलदार लोग होते हैं उनको भी दिया जाता है ये अवार्ड? देखिए, फिलहाल जिनके जिम्मेदारी पूरी सुरक्षा, पूरी कानून व्यवस्था होता है, चुनाव को ठीक ढंग से कराने की जिम्मेदारी होती है, फिलहाल ये उन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि महातंत्र उन्हीं के इशारों पर कार्य करते हैं। तो महातंत्र की जगह सिर्फ अधिकारियों को दिया जाता है, जिसमें लगभग हम अगर एक लिस्ट बताते हैं तो डीजी आनंद कुमार है उनको दिया जाएगा, प्रवीण कुमार आईजी एलओसी उस मौजूदा समय, इस समय आईजी मेरठ है उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ कई अन्य अधिकारी हैं जिसमें विजय भूषण, कुंतल किशोर, इन सभी अधिकारियों को दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे जौनपुर में, क्योंकि जौनपुर काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है पूर्वांचल का, वहां पर चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो उसको लेकर उस समय आशीष तिवारी एसएसपी हुआ करते थे वहां के, उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है। यानी कि जो भी अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी पूरे चुनाव को सही ढंग से कराने की, कोई भी किसी प्रकार की हिंसा ना होने के जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को, हिंसा रोकने के लिए हिंसा नहीं हुई, उसी के चलते उन्हीं अधिकारियों को सम्मान दिया जाएगा आज। बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।